तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आज हमारे पास एक और खतरनाक गेमिंग फोन है जो है लेनोवो की तरफ से, लेनोवो लीजेंड 2 प्रो। और इसके अंदर आपको मिलता है एक RGB फैन जो फोन को ठंडा रखने में काम करेगा, और दूसरा भी है बट वो यहाँ पर छुपा हुआ है। तो यहाँ पर दो फैन मिलते हैं और जो बैटरी है वो एक इस तरफ और एक इस तरफ है। और इस फोन के अंदर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर, और साथ में यहाँ पर है ना RGB का सपोर्ट तो है ही। तो यहाँ पर टोटल 6 एयर ट्रिगर्स का सपोर्ट है, जिसमें से L1, L2, R1, R2 और M1, M2, ये दो जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला जो एरिया ना थोड़ा सा, ये भी आपको एयर ट्रिगर्स मिल जाते हैं। तो इनके हिसाब से आप अलग अलग तरीके से गेमिंग कर सकोगे। और जो यहाँ पर ये फोन है ना, मोस्ट ऑफ आप लोग कह सकते हैं ये फोन गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जो डिस्प्ले भी है ना, ये 144 हर्ट्ज के साथ में आता है। और साथ में इस फोन के अंदर जो टच सैम्पलिंग है ना, वो भी आपको मिलता है 720 हर्ट्ज का। तो गेमिंग के लिए ये फोन काफी तगड़ा निकल कर आ जाता है। और आप लोगों को शायद से पता होगा स्नैपड्रैगन 888 का जो प्रोसेसर है भाई, वो मस्त गर्म होता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये गेमिंग RGB फैन लगाए गए हैं ताकि फोन आपका ठंडा रह सके। और मैंने मोस्ट ऑफ जब गेमिंग करता हूँ ना, तो ये एरिया और ये एरिया गर्म नहीं होता है, ये एरिया अच्छा खासा हीट हो जाता है। और आप कुछ इस तरीके से आराम से पकड़ के इसमें गेमिंग कर सकते हो। तो अभी स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग क्या करेंगे, फोन का ओवरऑल टेम्परेचर देख लेते हैं। अराउंड यहाँ पर आपको मिलता है 31 डिग्री के आसपास है स्क्रीन के फ्रंट की तरफ, 32 तक। और इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ अराउंड 31 के आसपास, और यहाँ पर अगर देखें तो 31 के आसपास का टेम्परेचर है। बट अगर सेंटर की तरफ अगर देखे लो अभी ध्यान से, अराउंड भी यहाँ पर भी कुछ 31-32 के आसपास का है। बट जब हम यहाँ पर आगे गेमिंग करेंगे और टेस्टिंग करेंगे ना, उसके बाद जरा देखना किस तरीके से रहेगा। और इस फोन के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ क्या है, इसका जो फ्रंट कैमरा है ना वो आपको मिलता है यहाँ पर। तो गेमिंग के टाइम है ना, इसे आप एज अ वेबकैम यूज कर सकते हो। हालांकि ये फोन है ना इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, और जहां तक पता है ये अवेलेबल होगा भी नहीं, इंडिया के अंदर इसे लॉन्च नहीं किया गया। मैंने इसे दुबई से इंपोर्ट किया है। तो अगर इसका फुल रिव्यू और अच्छी डिटेल के साथ सारी बातें जाननी है ना, तो आई बटन में मेरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने पूरी रिव्यू करी है इस फोन को, तो वो वीडियो चेक कर लेना। और यहाँ पर जो गेमिंग भी आपको मैं दिखाऊंगा ना, वो FPS मीटर के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मिलता है डिफॉल्ट स्मूथ और 90 FPS पहले से मिल जाता है। मैंने कोई कॉन्फ़िग फाइल कुछ नहीं डाली है, डिफॉल्ट आपको 90 FPS गेमिंग करने मिल जाएगा। तो उसी के बाद में बैलेंस में एक्सट्रीम, HD के अंदर एक्सट्रीम और HDR के अंदर एक्सट्रीम, और यहाँ पर अल्ट्रा HD के अंदर अल्ट्रा मिलेगा, यानी कि 40 FPS की गेमिंग। मैं जो FPS आपको दिखा रहा हूँ जेन्युइन है कि नहीं, तो यहाँ पर मीडियम पे रख दिया है। और अभी देख सकते हैं FPS भी कुछ अराउंड 25 के आसपास है, और अल्ट्रा के अंदर FPS 40 के अंदर लॉक हो गए हैं, और एक्सट्रीम के अंदर अगर मैं करूँ तो यहाँ पर 60 के आसपास के FPS लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी 90 FPS करेंगे। और देखो गेमिंग करने के लिए यहाँ पर जैसे इसे नीचे करोगे इस तरफ से, या फिर पीछे बटन मिलता है ना जो M2 है, उसे अगर स्लाइड करोगे तो देखो रैम क्लीन हो जाता है। और वैसे पीछे की तरफ से मैंने नीचे से नेविगेशन किया, मतलब यहाँ पर ऐसा नीचे उंगली कर दी ना, तो ये गेमिंग सेंट्रल पैनल जो भी कह लो वो खुल जाता है इनका। तो अभी यहाँ पर पिंग को मेंटेन करने के लिए अच्छी तरीके से, बाकी यहाँ पर आपको FPS वगैरह दिख जाएंगे। 144 हर्ट्ज की स्क्रीन है बाय द वे, लेकिन यहाँ पर 90 FPS का गेमिंग मिल जाता है। और उसी के बाद में यहाँ पर जो रैम्पेज है ना, जैसे ही करोगे एकदम करंट वगैरह तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से ना फैन भी एकदम तगड़ा चालू हो जाएगा। पीछे से मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है, मतलब जो परफॉर्मेंस है CPU और GPU एकदम तगड़ी निकाल के देगा। बट प्रॉब्लम ये होगा कि फोन मस्त तरीके से हीट होगा, तो मैं इसे रैम्पेज बिना ही खेल के दिखाऊंगा आपको। और फोन का टेम्परेचर अभी फिलहाल 36 डिग्री के आसपास है, फैन रखा हुआ है, ऑटो पर है, ये अपने हिसाब से देखेगा कि इसे कितना चलना है कि नहीं। वाइट ट्रिगर से आने के जो ट्रिगर्स वगैरह है उसको किस तरीके से मेंटेन करना है आपको। और स्ट्रीम मोड जैसे कि वेबकैम यहाँ से खुल जाएगा, बट ये इंडियन डिवाइस नहीं है, मतलब इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो जो एप्लीकेशन है वो भी चाइनीज है। विजुअल प्लस मिलता है, तो यहाँ पर है ना इनहेंसमेंट होती है डिस्प्ले की, अलग तरीके से कलर्स आपको शो करेंगे। बाईपास चार्जिंग भी है, तो मतलब चार्जिंग भी थोड़ी थोड़ी लेता रहेगा, प्रॉपर तरीके से आपकी गेमिंग भी करवा के देगा। बाकी RGB सेटिंग्स है पीछे की तरफ की, और यहाँ पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो वो सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ में यहाँ पर आप ब्राइटनेस भी इधर से ही बढ़ा घटा सकते हो। तो भाई गेमिंग के हिसाब से जितने फीचर डाले जा सकते थे सारे यहाँ पर डाल दिए गए। और अभी जो मेरे रूम का भी टेम्परेचर है अराउंड 26 डिग्री का है, और मैंने रूम के अंदर पंखा बंद रखा हुआ है, और जो AC है वो भी ऑलमोस्ट 28-29 के आसपास में चल रहा है। सो भाई यहाँ पर अगर इस फोन का अगर जायरो देखोगे ना, तो भाई एकदम रियल टाइम और मस्त तरीके से काम करता है गेमिंग के लिए जैसा आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये रख लिया इस तरीके से, नाउ देख रहे हो ना एकदम मस्त तरीके से उतरता है भाई। और बाकी जो टच रिस्पॉन्स और 720 हर्ट्ज का है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, गेमिंग करने के लिए तगड़ा। और FPS भी आपको स्क्रीन पे देखने मिल जाएंगे, तो कितना ड्रॉप हो रहा है क्या हो रहा है वो आपको रियल टाइम पे पूरा आइडिया आ जाएगा। एक्सपायर, नाइस शॉट, कवर, एनिमी डाउन, कवर, नो मर्सी।
victory. Nice shot. Target down. Great. Blue team victory. Clear. Reload. Cover me. Target down. तो देखो मैंने जब टीडीएम के अंदर मैच करके देखा ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वहां पर जो 90 एफपीएस है ना, वो एफपीएस पे तो आपको ड्रॉप और नंबर देखने मिला होगा, नीचे भी आ रहे थे, 70 के आसपास के भी एफपीएस आए थे। 60 एफपीएस की जब गेमिंग कर रहा था तो वहां पर कांस्टेंट थे, एकदम कांस्टेंट वाले 60 एफपीएस आ रहे थे। और रही बात अभी इरेंगल के अंदर आ चुके हैं, रूनिक पावर लगाया, अब लेट्स सी यहां पर हॉट ड्रॉप के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि मैं यहां पर गेम कर रहा हूं और लैपटॉप सामने है, तो दोनों टाइम देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहाँ चल रहा है? ये पड़ गई, पड़ गई। ओहो ब्रो है भाई। नॉक डालो उसको। अरे यार रिलोड में चले गए टाइम सी। आ गए। शी। ऑटो पे डाल दिया था मैंने, शाबाश मेरे मुकेश। नॉक। यही है सामने ही है, सामने ही है। वाच आउट। वहाँ पे? उस वाले घर में। Watch out! ओ भाई हेल्थ हेल्थ गया मुकेश का। यहाँ पे। Watch out! अरे मेरा हेल्थ देख भाई। Watch out! हील करो यहाँ पे। Watch out! अरे ये बैठा है इधर। और आ गया? अरे आ गया। Watch out! अरे हेल्थ है, रिलोड है, रिलोड है ये बंदा। ओ भाई साहब। एक और आ रहा है भाई, मैं अभी मेरे को पड़ी, मेरा हेल्थ देख जरा, मेरा हेल्थ देख। हाँ देख रहा हूँ, शायद बॉट लग रहे हैं मेरे को, बॉट है तो। अबे नहीं असली बंदा है, इसने दीवार लगा के ऊपर आ रहे हैं। अरे आ गया बाबा जी का हलवा मिल रहा है इधर, घुस गए मुंह पे सीधा। एक को डाला भाई, बंदे ही बंदे इधर, तो क्या चालू है इधर, क्या आतंक मचा हुआ है। बस जो आ रहा है उसको निपटा दो, नेड़ा है, नेड़ा है लगता है, नेड़ा है। इधर 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 छुपा हुआ है, छुपा हुआ। अरे आ जाओ अंदर, फाइट ले रहा, रिलोड मार रहा है, रिलोड मार रहा है। अरे भाई लग गए। अबे यार हम दो इससे जाते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तू पहले ले लेना भाई। गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, बग्गी आ गई, एक नंबर। तीन शॉट में गया। किसने मारा? मैंने मारा। गाड़ी की आवाज तक नहीं आई भाई। अबे वो रहा, वो रहा, मैं बोलता हूं ना। अरे रे बेचारा। गाड़ी भी नहीं चढ़ी उसे, क्या मार रहे हैं उसे। ओए गाड़ी ठुकी हुई है वहां, बंदा होगा, बंदा भाई है, बंदे बंदे बंदे, सीधा मत ले। एक नॉक हुआ, नॉक हुए। अरे साला मस्त रोकी है मैंने, मेरी हेल्थ बहुत। उसके बंदे ना दो नॉक है, ध्यान रखना। जोन जाने बैठना गाड़ी में, गाड़ी फटेगा अपना या फिर। अरे उसने शील्ड डाल दिया, दीवार लगा के चलना पड़ेगा। अरे लग गए। अरे क्या बात कर रहा है मुकेश, एक नंबर काम हो गया मेरा। मैं गया हट। तो देखो इरेंगल के अंदर हम लोग ने गेमिंग करके देखी और वहां पर आप लोग ने एफपीएस भी देख लिए भाई, तुम तो हेवी ड्राइवर हो भाई। तो जिस तरीके से एफपीएस आ रहे थे 90 एफपीएस में, मतलब इसमें ना एफपीएस कम होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एफपीएस कम नहीं हो रहे, बट है ना वो स्क्रीन पे महसूस नहीं होते। तो यहाँ पर जो एफपीएस है ना अराउंड 70-80 के अंदर ही यहाँ पर चल रहे थे, प्रॉपर ऐसा कॉन्स्टेंट 90 एफपीएस तो नहीं मिल रहा था। अभी हम लोग यहाँ पर है ना शैनॉक पर आ चुके हैं, बूट कैंप पर जाएंगे, अब देखते हैं वहां पर किस तरीके की तबाही है और कितने एफपीएस है। 24 हो गया मेरा, 24 है। अरे भाई तबाही देखो, नीचे जरा बंद होगी। ओ उधर ऑलरेडी बंद है, पीछे जा मुकेश।
कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। तो भाई 73 के 76 के FPS आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 70 प्लस वाले FPS हैं। लैग तो नहीं लग रहा है स्क्रीन पर, बट FPS तो है। कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, मार खाने बंदे तो है उधर। हाँ हाँ मेरे पे आओ, मेरे पे आओ, मेरे पे आओ। आ रहे आ रहे, एक को निपटा है। ये पता नहीं, मैं खुद सोच रहा हूँ इसको तो मैंने। ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई, गए अपन दोनों गए। अरे यार फोकट के गए। ए सामने है, ए इधर बंदा है। अबे मेरे को मार रहे। अरे तो मार, मेरे पास गन नहीं है। पड़ गई पड़ गई पड़ गई, हट पॉकेट में गया मैं तो। अभी बंदे आ गए, उनको एमओ भी। अरे अरे कहाँ जा रहा है मुकेश, ये क्या हो गया? लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए। एफपीएस ड्रॉप 60 पे, एफपीएस 67 भाई, एफपीएस ड्रॉप हो गए भाई लोग। भाग गया भाई यहां से, नहीं 68 के एफपीएस आ गए। पड़ी पड़ी पड़ी, किधर है? एक गोली है। हाँ है एक बंदा, एक गोली है। तो भाई यहाँ पर तो हो चुकी है टेस्टिंग कंप्लीट। अगर आपको पीछे का टेम्परेचर दिखाऊं, अराउंड ये पहुंच चुका है 38 के प्लस जा चुका है ऑलमोस्ट। और ये साइड वाला तो मस्त गर्म लग रहा है क्योंकि मेटल है ना इसके लिए, तो ज्यादा एकदम चमकेगा हाथ में, एकदम चिपकेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने कंटिन्यूस ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की गेमिंग करी है, और उस हिसाब से देखेंगे जो फोन की परफॉर्मेंस है, 60 FPS तो तगड़ी एकदम कॉन्स्टेंट चिपक के निकाल के देता है। बट जो 90 FPS आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको 70+ वाले FPS मिल जाएंगे, 80+ वाले FPS मिल जाएंगे। तो गेमिंग के हिसाब से अगर कंसिडर करेंगे 60 FPS में तो तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा, बट 90 में आपको थोड़ा सा तसल्ली करनी पड़ेगी। हालांकि वैसे भी ये फोन इंडिया के अंदर आ ही नहीं रहा है, बस यहाँ पर एंजॉयमेंट के हिसाब से वीडियो देखेगा। आप लोग अपनी बात जरूर बताना मुझे कॉमेंट करके। बाकी ना मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग फोन की BGMI PUBG टेस्ट आप लोगों के साथ में लाते रहूंगा FPS के साथ में। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय।